तीसरे वनडे से भी संजू हुआ बाहर, भड़क उठा बब्बर शेर। जहां दोस्तों पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन को दूसरे वनडे से जबरन बाहर कर दिया, और अब तो हद तब हो गई जब तीसरे वनडे से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। जिसके बाद तो टीम मैनेजमेंट और धवन पर भारत का बब्बर शेर भड़क उठा है। जहां आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले अगर आप भी संजू को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू को इतनी बड़ी सजा मिलेगी, ये खुद संजू ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जी दोस्तों, लगता है संजू को टीम इंडिया से बाहर करने के लिए किसी ने कसम खा ली हो और पंत को धक्का देने के लिए पूरी टीम जी जान से जुट गई हो। जब धवन ने टॉस के वक्त प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो सुनकर हर कोई हैरान था। संजू की जगह दीपक हुड्डा को टीम में शामिल कर लिया गया था और पंत को बरकरार रखा गया था। शायद ये अपमान संजू बर्दाश्त नहीं कर पाए। इससे संजू को इतना दुख पहुंचा कि वे मैदान के बाहर डग आउट में बैठे जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, संजू अकेले बैठे हुए हैं जबकि सब कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन संजू किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अकेले बैठे बैठे उदास मन से सोच रहे हैं। वही अब तीसरे वनडे से भी संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है। जहां दोस्तों तीसरे मैच की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है और उसमें संजू का नाम नहीं है। भारतीय टीम तीसरे वनडे में भी उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी जिस प्लेइंग 11 के साथ दूसरे वनडे में उतरी थी। ऐसे में तीसरे वनडे में भी संजू सिर्फ पानी पिलाते नजर आएंगे। अब संजू अपने साथ हुई नाइंसाफी पे भले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया का टाइगर सौरभ गांगुली भड़क उठे हैं। उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई है। गांगुली ने गुस्से में कहा, संजू से ऐसा क्या गलती हो गया है कि उन्हें दो मैचों में बाहर कर दिया गया? क्या 36 रन बनाना उनका गुनाह था? अगर 36 रन बनाना उनका गुनाह था तो फिर पंत के 15 रन कैसे टीम के लिए फायदेमंद हो गया? दोस्तों गांगुली ने आगे कहा, अगर संजू को टीम में मौका देना ही नहीं था तो फिर उन्हें न्यूजीलैंड लेकर क्यों गए? जा दोस्तों, संजू के साथ हुई नाइंसाफी पर गांगुली जमकर भड़के हैं। दोस्तों एक तो वैसे ही संजू को टीम में मौका कम मिलता है, सिलेक्टर्स उन्हें चुनते ही नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्हें नहीं चुना गया है, तो कम से कम इस सीरीज के लिए चुने हो तो उन्हें प्लेइंग 11 में मौका तो देना चाहिए। एक मैच खिलाकर बैठाना संजू के साथ नाइंसाफी नहीं है तो फिर क्या है? दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।